दोस्तों, जब दो दोस्तों की मुलाकात देख जल भुन गया चीन। चीन के सियामेन में नौवा ब्रिक्स सम्मेलन चल रहा है। इस सम्मेलन में ब्रिक्स देशों के राष्ट्र प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन इस सम्मेलन में चीन को कई बार ऐसी परिस्थितियों से गुजरना पड़ा है जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं था। ब्रिक्स सम्मेलन से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को लताड़ा था, वहीं अब मोदी और पुतिन चीन की टेंशन बढ़ा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ब्रिक्स सम्मेलन से हटकर, दरअसल भारतीय पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन की दोस्ती के किस्से आम है। यह दोनों नेता किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में पहुंचे इनकी मुलाकात होना लाजमी है। ऐसे में चीन में चल रहे नौवें ब्रिक्स सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने द्विपक्षीय मुलाकात कर कई मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने दोनों नेताओं के हाथ मिलाती तस्वीर साझा करते हुए कहा कि विशेष रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने ब्रिक्स सम्मेलन से इतर राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। मोदी पुतिन की इससे पहले भी कई मुलाकातें हो चुकी हैं। वहीं चीन में इस मुलाकात के मायने कई तरह से निकाले जा रहे हैं। वहीं पीएम नरेंद्र मोदी की पुतिन से मुलाकात से ड्रैगन की टेंशन बढ़ गई है। मालूम हो कि रूस भारत बहुत पुराना साथी है। समय समय पर रूस भारत के साथ खड़ा दिखाई दिया है। डोकलाम का मुद्दा हो या भारत की एनएसजी सदस्यता की, रूस खुलकर भारत का पक्ष रखता है। जब भारत और रूस जैसे दोस्त मिले और चीन ना कांपे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो चीन का कांपना और जलना लाजमी है। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।